तो फ्रेंड, डर के आगे जीत है। अभी हमने आपको बताया कि जो फ्रीजर का जो पाइप आया था उसे हमने काटा, उसके साथ जो फिल्टर से कंडेंसर का पाइप था उसमें से फिल्टर को अलग किया, और ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये कंप्रेसर जिसमें गैस डालेंगे जिस एरिया से उस पाइप को हम काट रहे हैं, और इसमें हम अभी चार्जिंग निप्पल जोड़ेंगे। और देखते रहिए फ्रेंड, और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर फ्रिज रिपेयर करते हैं तो आप भी बहुत अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ढेर सारा कमेंट्स कीजिए और सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। ये देख रहे हैं आप, ये है चार्जिंग निप्पल। इसे हम इसमें जो इसमें से एक वॉल होता है वो उसे हम निकाल लेंगे ढक्कन के थ्रू, उसे अभी हम उसमें वेल्ड करेंगे। तो ये वॉल, ब्रिजिंग रॉड, फ्लक्स पाउडर, टॉर्च, ब्यूटेन सिलेंडर, टॉर्च, और ये है 134 गैस कैन, और इसे हम इसमें डालने वाले हैं फ्रेंड्स। और ये ट्यूब कटर, चार्जिंग निप्पल, चार्जिंग लाइन, और ये है गेज, गेज देख सकते हैं आप, फिल्टर, एलजी ड्रायर भी कह सकते हैं। और अभी हम आगे बढ़ेंगे प्रोसेस के साथ। तो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक के कमेंट्स नहीं किया, लाइक नहीं किया, और तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। यह है फ्लक्स पा की दरबार में जो जला ली, और अभी हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, मेरे बेटे ने आरती किया और दुआ किया कि सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और व्यूवर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो आप उसकी आरती और उसकी दुआएं खाली मत जान दीजिएगा फ्रेंड। हम वेल्ड करते समय रिले ऑयल पी निकाल देंगे, और ब्रिजिंग करते समय ये ध्यान देंगे कि अगर रिले ऑयल पी पीछे है तो वो जलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से सावधानीपूर्वक हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा जो प्रोसेस है कम्प्लीट करना है। ध्यानपूर्वक इस चीज़ को हम करते कर सकते हैं। कंप्रेसर ज़्यादा हीट भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि अंदर की वाइंडिंग कॉइल भी बोल सकते हैं उसे नुकसान ना पहुंचे। इसी तरीके से हमें सतर्कता से सावधानी पूर्वक काम करना है। कई बार होता यह है कि हम कस्टमर के घर कुछ कंजेस्टेड जगह होने की वजह से और वातावरण मतलब सही तरीके से व्यवस्था नहीं होने पर हम कंप्रेसर हीट कर देते हैं, जिससे ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए, कस्टमर ब्लेम कर सकता है। अभी हम जो ऊपर कंडेंसर में पाइप जुड़े थे उसको भी हम वेल्ड करेंगे, और अभी देख सकते हैं सावधानी से जो वायर है वो भी जलना नहीं चाहिए, और इसी तरीके से हम इसे वेल्ड करेंगे। मतलब पीछे जो वायरिंग थी थी वो हीटअप भी नहीं होना चाहिए, हीटअप होने की वजह से जल सकती है और हमें इसका अच्छा खासा भुगतान भरना पड़ेगा। तो ये हमारा वेल्ड करके जोड़ देंगे, जो वैक्यूम पंप पाइप है फिल्टर में वो भी हम उसे सेल्फ वैक्यूम पाइप को भी वेल्ड कर देंगे। इसी के साथ अभी हम फ्लशिंग करेंगे फ्रीजर पाइप, फ्रीजर के पाइप जो अंदर से आया है उसे भी फ्लशिंग तो फ्रेंड, अभी हमने इसमें एंटी मॉइस्चराइजर डाल करके फ्रीजर, ये इसमें फ्रीजर के लिए गैस डाल दिए है 134 कैन में लगा दिए चार्जिंग निप्पल, और इसी के साथ ये अभी हमने गैस डाला इसमें,
और फ्रिज को प्रोसेस पे रखा और बहुत इजी तरीके से किया ये हमने। और ये जो गैस को उड़ा करके हमने अभी इसे अपने तरीके से वेक सेल्फ वेकूम कर करके इसे वेल्ड कर दिया, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और आप देख सकते हैं गैस कम हो गई है, तो अभी एक्स्ट्रा और डाल देंगे। और इसी को अभी देख सकते हैं हमारा, आपको मैं बता नहीं सकता पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक आप सोच सकते हैं कि ये हीट अप हो रहा है। और इसी तरीके से हमने आजू बाजू देखिए, सैमसंग का फ्रिज है तो ये हीट हो रहा है, और जो फ्रिजर का जो पाइप आया है वो ठंडा हो रहा है। और गैस कम हो गई थी इसलिए हमने डाला इसमें और भी गैस। और अभी कुछ देर में हम इसे मीटर में लगा करके आपको दिखाएंगे इसकी पोजीशन। तो आप देख सकते हैं हमारा सुई का जो काटा है गेज का 5 पे है, और ये परफेक्ट तरीके से कूलिंग हो चुका है। और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसेस करना है, और आपका साथ इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिए, तो हम और भी अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। और साथ ही अभी हम आगे चल के आपको एसी के भी बारे में दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गैस शायद थोड़ी कम हो गई, तो अभी हम और डाल देते हैं। क्या है कि गैस गेज के हिसाब से थोड़ा सही तरीके से होना चाहिए। तो ये अभी देख सकते हैं हमारे फ्रीजर में कूलिंग आ गई है। यहाँ अंधेरा है और हम काफ़ी दूर आए हैं एक सुनसान एरिया में, जहाँ पे ये फार्म हाउस है, एकदम साइलेंट जगह है और कोई भी नहीं है हमारे सिवा, पूरा घर खाली है। एक काम वाली भाई भर है और हम हैं, तो वो भी ज़्यादा बोलती नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।